लागत नहीं समाचार बटुए विक्रम बंसे रिपोर्टर बनी राजू रंजन दुबे जी। खबर के हेडलाइन सुनी, बिहार आ उत्तर प्रदेश के बीच भइल फाइनल मुकाबला, बिहार के टीम जीती गई। खबर का बटुए विस्तार से जानी। प्रखंड काराकाट मुख्यालय नगर पंचायत गुड़ारी के स्टेडियम में फाइनल फुटबॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन बिहार आ उत्तर प्रदेश के बीच भइल। एकर आयोजनकर्ता मुन्ना भारती पूर्व पंचायत समिति पूर्व मुखिया भावी नगर पंचायत गुड़ारी के चेयरमैन प्रत्याशी के द्वारा कैल गई। यह कार्यक्रम के उद्घाटन काराकाट विधानसभा विधायक अरुण कुमार सिंह के द्वारा फीता काट के कैल गई। जना में विधायक के द्वारा संबोधन में दोनों खिलाड़ी के खेल भावना आ शांतिपूर्ण तरीका से खेले खातिर कहल गई। दोनों खिलाड़ी शांतिपूर्ण ढंग से खेल भावना के देखले जौना में बिहार उत्तर प्रदेश के दू होल से हरा दिल। साथे साथ सब मुख्य अतिथि आयोजनकर्ता के कार्यक्रम के लेके धन्यवाद दिलन। आयोजनकर्ता मुन्ना भारती के द्वारा कई बरिश से स्वर्गीय राम रूप तिवारी के जयंती पे फुटबॉल टूर्नामेंट के आयोजन कल जा रहा बा। अंत में मैन ऑफ द मैच उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी के दिहल गई, साथे साथ विजेता टीम के कप भी दिहल गई। मौका पे मनोज तिवारी पूर्व जिला परिषद अभिभावक, बबुआ तिवारी भाई जितेंद्र जदयू अध्यक्ष काराकाट, अशोक तिवारी प्रोजेक्ट बालिका विद्यालय शिक्षक, सुरेश तिवारी प्रोफेसर संचालनकर्ता अशोक शर्मा अशोक तिवारी आ विधि व्यवस्था व्यवस्थापक ललन प्रसाद सोनी पूर्ण वार्ड सदस्य गोरारी पप्पू तिवारी बबन पासवान अवधेश राम विनय सोनी वीरेंद्र सोनी आ पूर्व बीडीसी सहित तमाम लोग उपस्थित रह। रौरा दर्शक लोग के जानकारी खातिर बता दें कि आज भी जहां फुटबॉल टूर्नामेंट होला देखे खातिर भीड़ उमड़ पड़ेला। का जवान का बूढ़ का सियान सब कोई मैदान में दौड़ पड़ेला। ऐसे कि हमें समय के भी बचत बा आ आनंद भी खूब आवेला। ये आनंद के प्राप्ति करे खातिर लोग फील्ड के चारों तरफ घेर के बैठल रहन। सबसे बड़ खुशी लोग के ये भई कि बिहार दू गोल से मैच बा जीत गए। भोजपुरिया समाचार हर खबर पे निगाह बनैले बा आ हर खबर बारीकी से देखाई, लेकिन उरा दर्शक लोग से निहोरा करला कि चैनल सब्सक्राइब नहीं खे तभी ये बेल आइकन के बटन दबा के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी और शेयर जरूर करी। धन्यवाद।